जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि सासू माँ हमको आवाज़ दे रही थी और सासू माँ के सर में हो रहा है दर्द, तो यहाँ पर इनके सर में लगा देते हैं तेल अच्छे से। और आज ना काफ़ी गद्दा, रजाई, बैग वगैरह सब यहाँ पर धूप में पड़े हुए हैं और शाम के ना 6:30 या 7 बज रहे होंगे, टाइम यही था। तो हम भी नहा धो करके जा रहे हैं आरती पूजा करने और कल ना अच्छे से इनको सब कूट काट करके बैग में रखें और हम भी ना माँ भगवती की आरती करने के बाद ना जल्दी पहन लेते हैं साड़ी, क्योंकि साड़ी पहनने में ना थोड़ी टाइम तो लगता ही है ना। अगर सूट पहनना हो तो फटाफट पहन लो, लेकिन साड़ी में ना, और ये थोड़ा ना हैवी साड़ी में ना जब पिन लगाओ ना तो थोड़ी टाइम लग जाता है। तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों से करते हैं थोड़ी बातें। अब हम तैयार हो गए हैं और आप लोग भी थोड़ी थोड़ी सुन रहे होंगे, बाजा बज रहा है, टाइम भी 7:30 बजने वाले हैं। तो वैसे भी ना इतना थकावट थी क्योंकि एक वीडियो को हमने एंड किया और फिर इसके और थोड़ा बहुत फिर 2 बार आज हमने चाय पिया शाम को, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ना सर में दर्द हो रहा था। और बच्चों को अभी हमने खिला दिया है पराठा अचार, और बच्चे कुछ खाने वाले नहीं थे, कह रहे थे कि माँ भूख नहीं है। अब समोसे भी आ गए थे तो समोसा ही लोगों ने खा लिया था। और इतनी थकावट हो गई थी ना कि बता नहीं सकते हैं। और उतनी समय से ना मतलब पूजा पाठ की, तो आज हम मंदिर भी नहीं जा पाए हैं और ना तो पूजा पाठ की कोई वीडियो शूट की। हमने कहा पूजा पाठ कर लेते हैं आराम से, इसके बाद आराम करेंगे थोड़ी देर, लेकिन आराम तो बिल्कुल नहीं हो पाया है। देखते हैं, टाइम तो वही 9:30 बज जाएंगे और जो हमारे साथ जाना है ना आशी की मम्मी, तो वो भी तैयार हो रही हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से और आप लोग बताइएगा कि हमारी साड़ी कैसे लग रही है। वैसे नहीं, सिल्क की भारी थोड़ी साड़ी, और आज ना कुछ भी हमको चेंज नहीं करना पड़ा है। क्या है कृष्णा? और देखिए कैसे ये ना अक्सर इसके पापा और ये अक्सर छुपते छुपाते रहते हैं। बेटा इतने समय ना जा रही है बैडमिंटन खेलने, दिन भर नहीं खेलना, 10 मिनट खेलने को। मनु भी है क्या नीचे? हाँ, कॉक का है। ये जरा आशी की मम्मी से पूछ लो कि वो तैयार है तो हम भी आए जल्दी। वो आते हैं ना, फिर इसके बाद ना इतनी थकावट सी हो रही है, लगता है कि इतनी जल्दी हो करके थोड़ी से आराम करें। और इतने समय होता है ना 8:30-9 बजे, लगता है कि बस अच्छा ही नहीं कर रहे थे कि इतने समय जाए, लेकिन उसी ने जोश दिया है, बोली भाभी चलिए कॉलोनी की बात है, अच्छा नहीं लगता है। मतलब मेहंदी फंक्शन में गए थे और हल्दी फंक्शन में नहीं जाएंगे तो सब लोग क्या कहेंगे। और वो दीदी ना, उनकी मतलब जहाँ जिनकी शादी हो रही है उनकी मम्मी, तो मतलब इतना हम लोगों को कही कि आना ज़रूर है, शाम को आना ज़रूर। तो कुछ लोगों में होता ना कि मतलब कहीं दूर की बात होती तो एक बार सोचते कि बहुत थकावट हो गई है ना जाएँ। और ब्रज में, और हमारी साड़ी का लुक ज़रूर बताइएगा कि हमारी साड़ी आप लोगों को कैसी लग रही है, देख सकते हैं। वैसे ना थोड़ी सी लग रहा है कि भारी है, लेकिन पहनने में ना एकदम से हल्की फुल्की साड़ी है। वैसे 1-2 बार आप लोगों ने और भी देखा है इस साड़ी को। तो चलते हैं, भांगड़ा बज रहा है और आशी की मम्मी ना भांगड़े में कहती है भाभी कितना अच्छा लगता है। वैसे ना अपने घर की शादी हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ज़बरदस्ती लोग मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा चलिए झूम लीजिए, तो जब सब लोग कहने लगते हैं तो करना ही पड़ता है। और आप लोग हमारी बताइएगा हमारे टक्स कैसे लग रहे हैं कान के, देखते हैं ना। जब ये चैन नहीं लगाते हैं ना तो एकदम से झुके झुके रहते हैं, क्योंकि कान में एकदम से नीचे हो गए हैं। शुरू में ना हम इतना भारी भारी सब पहनते थे, भारी पहनने का बहुत ही शौक था, इसीलिए बिल्कुल कान एकदम से नीचे आ गए हैं। तो जब ये ऊपर को फंसा लेते हैं ना ऐसे, तो थोड़ा सा सही रहता है, नहीं ऐसे लगता है कि बिल्कुल लटक रहे, इसीलिए सब भारी भारी रखे रहते हैं, कभी पहन नहीं पाते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि हल्दी फंक्शन में ना हमारी सब बहनें हल्दी कलर की ही साड़ी पहने हुए हैं, और मांग में ना कैसे मतलब बेंदी लगा करके, नाक में नथिया पहन करके, और यहाँ पर हो रहे सत्यनारायण भगवान की कथा, तो हम भी सुन रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। और वो लड़की नेहा भी बैठी हुई हैं बहुत अच्छे से मतलब हल्दी कलर की साड़ी पहन करके और सब। और जब अपनी मातृभाषा होती ही ना, ये भाषा अपने मायके की गांव की बोलो ना, तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो बहनें हमारी सब कॉलोनी की गई हुई हैं, ये भी आप लोगों से जय माता दी बोल रही हैं। और ये तो हमारी कल वाली बहन ही है जो आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा है, तो देख सकते हैं सभी बहनें यहाँ कितने अच्छे से
बैठ करके हाथ जोड़ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही हैं। तो आप लोग भी सुनिए और हम भी थोड़ी आरती पूजा भी होने जा रही है, तो आप लोगों को भी आरती सुना रहे हैं कि सत्यनारायण भगवान की आरती होने वाली है। तो आप लोगों को हल्दी फंक्शन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सब देख देख करके ना इतनी खुशी हो रही है कि जल्दी ये समय आए कि हमारे मायके में भी ना ऐसे ही मेहंदी फंक्शन हो, हल्दी फंक्शन हो, और अपनी सभी यूट्यूब फैमिली को हले करके जाएंगे अपने मायके। जब चित्रकूट, अतर्रा, बांदा हम जाएंगे ना, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे। आप लोगों को अभी से इनवाइट कर रहे हैं। अब वहाँ से सब होने के बाद हम निकल लिए हैं बाहर और टाइम काफ़ी हो रहा है, तो देख सकते हैं साय साय एकदम हो रहा है। तो हम बहनें सब अपने अपने घरों के अंदर जा रहे हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का हल्दी फंक्शन से लगा। और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा अपनी दीदी को, ऐसे खूब सारा साथ दीजिए, प्यार दीजिए। आप लोगों की प्यार की और साथ की बहुत ज़रूरत है। तो हम मिलते हैं आप लोगों से सुबह। भगवान जी की पूजा हो गई, टाइम बताया आप लोगों से 9:30 बज रहे हैं, बच्चों को भी स्कूल भेज दिए। अब कल ब्लॉग का एंड नहीं किए थे, इतनी रात हो गई थी, इतनी थकावट हो गई थी। 10:30 या 11 बजे हम लोग घर आए हैं। सत्यनारायण भगवान की पंडित जी ऐसे कथा सुनाए, मतलब इतने आराम आराम से कह रहे थे ना, तो सभी लोग परेशान हो गए थे। और हम भी जा रहे हैं अब किचन में, थोड़ी बनाते हैं सासू माँ के लिए आलू बंडे। तो हमने आलू बॉयल करके छील करके पूरी सुबह ही तैयारी कर लिए थे कि जब सुंदरकांड का पाठ करने लगो ना तो टाइम काफ़ी हो जाता है। और अभी उनका भी पूजा पाठ चल रहा है, दूध वाले भैया भी दूध लेकर के आ गए हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू बंडा, हमारी चाय भी पक रही, हमने गर्म पानी भी अपने लिए कर लिया है, तो गर्म पानी भी पीते हैं और आलू बंडे भी बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। कल से ना सब लुमकी झुमकी पहने हुए, वैसे हम पहनते नहीं हैं, हमको नहीं सब पहनने बहुत उलझन होती है। कड़े चूड़ी बस उतार दी, एक एक दो दो चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं, क्योंकि आज भी शाम को जाना है बारात में, तो फिर तीन झाम करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा, इसीलिए ना जल्दी पहन नहीं पाते। आज कल से हमारी जो फ्रेंड पूनम है वो इतना मतलब फ़ोन कर रही है, कह रहे मॉर्निंग वॉक में क्यों नहीं आती हो, आओ पार्क, हम आ रहे हैं 2-3 दिन से। लेकिन बस यही होता है कि जब 1-2 महीने से तो आदत तो ख़राब हो गई है कि सुबह 4 बजे आँख तो खुल जाती है, लेकिन आँख खुल जाती है बिस्तर में लेटे रहते, सोचते अभी थोड़ी देर और लेटे रहें और लेटे रहें। 5:30 बजे मतलब उठना होता है, तब घर के इतने काम हो जाते, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाओ, फिर 3 मंजिल से लेकर के नीचे तक पोंछा लगाओ, तो इतने काम हो जाते हैं, इतनी भाग दौड़ हो जाती है। और आज सुबह ना बच्चों के लिए नाश्ते बनाए थे, पास्ता तो थोड़ी से रखा हुआ है, और आज कृष्णा नहीं गए हैं तो अभी वो नहा रहे हैं। और ये देखिए हमारी चाय पक करके तैयार हो गई, छोटी सी कढ़ाई में हमने डाल दिया है कड़ुआ तेल, और ये छोटी सी कढ़ाई ना इतनी अच्छी है कि इसमें हमको ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, तेल है, रिफाइंड है, थोड़ी सी तेल में ना आराम से चीज़ें बन जाती है। और वैसे भी ये सब पकौड़े हैं, आलू गंडे हमको ज़्यादा पसंद नहीं, हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, लेकिन सासू माँ को पसंद है, कभी कभी बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसीलिए बनाना पड़ता है। हमारे लिए तो बस काले चने हैं, काले चने तवा में भून लेते हैं, या चना की बहुरी है, तो कभी मायके से ले आए, कभी यहाँ से ले आते जो छिलके वाली होती है, तो हमको बहुत ही पसंद है, तो जल्दी बना लेते हैं, बातों पे नहीं लगते हैं। और गर्म पानी भी अभी रखा हुआ है, पानी पी लेते, इसके बाद ठंडी के कपड़े बहुत सारे रखना है। तो सासू माँ कल से कह रही हैं कि चलो धुला लो, तो देखते हैं, पहले इस ब्लॉग को एंड करते हैं, पकौड़े वकौड़े बना लें जल्दी से, सबको खिला दें, आप लोगों को बुला रहे हैं, आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़े आलू बंडे बन रहे हैं, चाय भी बन रही है, तो जल्दी खा पी लेते हैं। इसके बाद पूरा दिन आज काम में लगना है, क्योंकि ठंडी तो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, 2-3 दिन से ना इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि बस अब लास्ट है चल रहा है ठंडी का, तो जल्दी कर।
सो गाइस देख सकते हैं आलू बंडे ना ऐसे हम बनाते हैं, आलू को मैश करके और आलू में ना अदरक मिर्चा का सबका पेस्ट हमने अच्छे से डाल लिया है और आलू की ऐसे टिक्की बना करके बेसन का घोल बना करके बेसन में भी जो पेस्ट हम आलू में डाले हैं वही हम बेसन में थोड़ी सी डाल लेंगे, कटी हुई अदरक और अगर हो सके तो धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं और बहुत ही ईजी है आलू बंडे बनाना। तो अगर हमारी बहनें, वैसे भी हम कई वीडियो में आलू बंडा बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। और कई मतलब बहनों ने पूछा है कि दीदी आप बताइए वैभव लक्ष्मी का व्रत आप कैसे करते हो, तो हम ज़रूर बताएंगे। वैसे तो पिछली वीडियो में हमने बताया ही है कि वैभव लक्ष्मी का व्रत हम कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने फिर से पूछा हम तो ज़रूर बताएंगे, किसी ना किसी दिन आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर रखेंगे कि हम कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे आलू बंडे बन करके तैयार हो गए हैं, आप लोग भी आइए, हम भी हैं और सबको दे देते हैं गर्मा गर्म चाय के साथ आलू बंडे खाते हैं। वैसे चटनी के साथ भी खाइए, चाहे टमाटर की चटनी लीजिए, चाहे जैसे जिसको जैसे पसंद हो वैसे खाना चाहिए। और ऐसे ही अपनी दीदी को खूब सारा प्यार देते रहिए, आप लोगों की प्यार की साथ की बहुत ज़रूरत है। चाय पकौड़े तैयार हैं तो पहले दे आते हैं सासू माँ को और उनकी भी सुंदरकांड हो गए, सुंदरकांड होने के बाद घंटी बज गई तो दे करके आ गए। पापा जी ने नीचे ऊपर कर रहे, वैसे भी ना हमारी सासू माँ को ना आलू की चीज़ें बहुत ही पसंद है इसीलिए बना देते हैं थोड़ी से। तो अपने लिए जल्दी से ले लेते हैं चाय। इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड, अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और ये देखिए आ गए नाश्ता खाने के लिए, तो अपना ले लो पास्ता मैक्रोनी सब रखा है, पकौड़े भी रखे हुए हैं। तो कल से आज तक का अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी गाय।